हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पावर सप्लाई होती है और मदरबोर्ड दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं और सेट के अंदर जो स्टैंड बाई की कंडीशन आती है, यानी कि स्टैंड बाई के अंदर स्टैंड बाई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कई सेट तो हमने ऐसे देखे जो कि कॉम्बो होते हैं, कॉम्बो के अंदर हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि मेन बोर्ड में देखें या पावर सप्लाई के अंदर चेक करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम स्टैंड बाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पावर सप्लाई अलग है और मेन बोर्ड अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ। अभी क्या है कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मेरे पास जो इंडिकेशन है वो ग्रीन कलर, यानी कि डायरेक्ट ग्रीन कलर ऑन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर पे कोई भी हलचल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सभी बटन दबाने के बाद यहाँ पे कोई भी हमारी इंडिकेशन चेंज नहीं होता है, या फिर ये इंडिकेशन हमारा रेड नहीं होता या ग्रीन नहीं होता या कोई भी दूसरा कलर नहीं आता, यानी कि हमारा ऑन करते ही यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ऑन होती है और कोई भी इंडिकेटर नहीं आता, यानी कि स्टैंड बाई कंडीशन में ये है इस टाइम। तो अभी क्या है कि जो प्रॉब्लम आ रही है कि स्टैंड बाई कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास जो ये मेन बोर्ड है, सबसे पहले हम मेन बोर्ड के अंदर स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्टैंड बाई के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई है। तो यहाँ पे पिन नंबर 3 पे जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इस सप्लाई के अंदर जो है 5 वोल्ट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट हमारे को यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे बोर्ड के अंदर जाती है, बोर्ड के अंदर जाने के बाद ये 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट होके और हमारे जो मेन प्रोसेसर में जाती है, मेन प्रोसेसर हमारे को इंडिकेशन शो करता है। उसके बाद जो है रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी ये 3.3 वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 0.35 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, जो कि आईसी की पिन नंबर 8 है, यानी कि रोम आईसी की पिन नंबर 8 है। अब यहाँ पे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जब तक 3.3 वोल्ट नहीं आएगा तब तक ये रोम आईसी एक्टिव नहीं होगी, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर इसका डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। अब डेटा अगर रीड नहीं करेगा तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काम नहीं करेगा, जिससे कि हमारा जो सेट है वो इंडिकेशन स्टैंड बाई ही शो करता रहेगा, आगे आपको रिलीज नहीं करने देगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कई रेगुलेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सभी रेगुलेटर के पास में उसकी वोल्टेज लिखी होती है, जैसे कि 1.8 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए यहाँ पे रेगुलेटर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे भी रेगुलेटर लगा हुआ है, तो सभी वोल्टेज अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे ये स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है, यहाँ पे जो इनपुट 5 वोल्ट इनपुट ले रहा है, लेकिन आउटपुट जो है यहाँ पे 3.3 वोल्टेज इसको आउटपुट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्ट आउटपुट नहीं कर रहा है, जिससे कि हमारा जो रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 0.35 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, वही वोल्टेज हमारे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस रेगुलेटर की वजह से ये प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस रेगुलेटर के लिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जब तक यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगी तब तक हमारा ये रोम आईसी एक्टिव नहीं होगी। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि रोम आईसी से इस रेगुलेटर का डायरेक्ट कंटिन्यूटी आती है या नहीं आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेगुलेटर हमारा इसी के लिए लगाया गया है, यानी कि रोम आईसी के लिए लगाया गया है। रोम आईसी को ये 5 वोल्ट से 3.3 वोल्टेज रेगुलेट करके देता है, जिससे कि हमारा ये
रोम आईसी एक्टिव होती है। तो अभी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हमारे को अलग अलग रेगुलेटर का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बक कन्वर्टर नहीं है क्योंकि इसके पास में कोई भी कॉइल नहीं लगी हुई। ये आपका एक एलडीओ वोल्टेज रेगुलेटर है, तो आप यहाँ पे अलग से एक एलडीओ वोल्टेज रेगुलेटर 11-17 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी जम्पर वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके का बक कन्वर्टर का यूज करूंगा और आपको ये लगा के दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद हमारा सेट किस कंडीशन में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस रेगुलेटर को रिमूव कर लेता हूँ, जो यहाँ पे रेगुलेटर है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये रेगुलेटर है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ये रेगुलेटर हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसका काम 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनाना है। अगर दोस्तों आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आप मेरे सर्विस सेंटर में आके या मेरी वर्कशॉप पे आप पूरा ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको 15 डेज में यानी 15 दिन के अंदर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली पूरा ट्रेन करके आपको सिखा के आपको भेजता हूँ, जिससे कि कोर्स करने के बाद आप हमारे पास से सपोर्ट भी ले सकते हैं, लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं पहले हम कि हमारे जो बोर्ड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम देखते हैं हमारे को नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसकी बीच वाली पिन नेगेटिव है, ये देखिए कैपेसिटर पे नेगेटिव है, और इसका जो पॉजिटिव है यहाँ पे पिन आपको देख सकते हैं, ये दोनों पिन आपस में जुड़ी हुई है। किसी भी पिन से मैं 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रेगुलेटर प्रॉपर तरीके से लगा के दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हमारे को बहुत फिनिशिंग से काम करना होता है। ये देखिए, ये मैं इसको नेगेटिव में लगा रहा हूँ, ये नेगेटिव हो गया और ये इसका पॉजिटिव हो गया। तो दोस्तों ये पॉजिटिव हो चुका है और ये नेगेटिव हो गया है। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जम्पर बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3.3 वोल्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक बार हम पावर लगा के देख लेते हैं कि हमारे सेट के अंदर 3.3 वोल्ट के लिए रेगुलेटर तैयार है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पावर लगाया, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है इसका 3.3 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। तो अभी मैं इसको 3.3 वोल्ट दूंगा और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये रेगुलेटर से 3.3 वोल्ट दिया और चलिए अभी पावर लगा के चेक करते हैं हमारी जो रोम आईसी पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है या नहीं आती है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम सेट को ऑन करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। ये देखिए, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि ये लाइट बंद हो गई है, इसका मतलब सेट हमारा ऑन हो गया है। और इसकी अगर हम देखते हैं दोस्तों, जब भी हमारा सेट ऑन होता है तो पिन नंबर LVDS की पिन नंबर 1 पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल की वोल्टेज हमारी बननी स्टार्ट हो चुकी है।
ये देखिए, तो यानी कि हमारा ये जो सेट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी टेक्निकल नॉलेज है और आप भी अर्निंग को अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।